हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर्स डिलाइट। मैं साथ शेयर करने जा रही हूँ नाचोस और चीज़ सॉस की सबसे आसान रेसिपी। यकीन मानिए, नाचोस के साथ चीज़ सॉस का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, और अगर आप एक बार इसको ऐसे बनाएंगे तो यकीनन आप दोबारा भी ऐसे ही बनाएंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपके सामने है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल में मक्की का आटा लेंगे। मैदा डालेंगे, इसी हुई काली मिर्च डालेंगे, बिल्कुल पिंच हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब तेल डालेंगे, स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस पे पानी डाल के इसका डो बनाएंगे। ये देखिए, हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इसे ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं और ये हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम आटे में से छोटी छोटी लोई लेंगे, इसको ऐसे ऐसे सारी लोई बना लेंगे। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे, एक बॉल उठाएंगे और इसको बेलन की सहायता से बेल लेंगे। अब हम चाकू या पिज्जा कटर की सहायता से इसको काट लेंगे। अब फोक की सहायता से इसको कर लेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये फूले नहीं। अब हम इसको उठा के प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह सारे नाचो बना लेंगे। मैंने ये एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके नाचो डालेंगे। बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए, ये सब तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। ये देखिए, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो बाकी सब भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारे नाचो तैयार हो गए हैं। अब हम इसके साथ सर्व करने के लिए चीज़ सॉस बनाएंगे। यकीन मानिए, एक चीज़ सॉस और नाचो का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, और अगर आप इसको एक बार चीज़ सॉस के साथ खाएंगे तो आपके बच्चे हमेशा इसके साथ चीज़ सॉस की ही डिमांड करेंगे। अब हम गैस पे एक पैन गरम करेंगे, उसमें मक्खन डालेंगे। आंच धीमी ही रखनी है। मक्खन पिघल गया है, अब हम इसमें मैदा डालेंगे। विस्कर की सहायता से इसको मिक्स करेंगे और इसको लगातार हिलाते रहेंगे ताकि लम्स नहीं पड़े। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे। आप अगर चाहें तो हल्दी स्किप भी कर सकते हैं। सर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और इसको डाल के लगातार हिलाएंगे ताकि लम्स नहीं पड़े। अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ चीज़ डालेंगे।
ये देखिए हमारी सॉस गाढ़ी हो गई है। ये देखिए हमें बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये नाचोस रेडी हो गए हैं और हमारी ये चीज़ सॉस भी ठंडी हो गई है। अब हम इसे नाचोस के ऊपर डाल देंगे। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंजॉय। बाय बाय।